शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लड़का और लड़की कोई और नहीं, हमारे साथ है, हमारे बीच दिलाने की, देखो तुम्हारी जिद का नतीजा। अरे हमारे अबे बेहोश हो गया। मम्मी जी, मैं तो बस अबे को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। अब वो भी मुझसे पूछे बिना। अबे की डॉक्टर मैं हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे पता है। आपकी पानी लिख रहा हूँ। श्रद्धा, तुम्हें जो भी करना था अबे के लिए तुमने कर दिया है, लेकिन अब रोशनी उसे संभालेगी। सोच के तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया? अपने स्वार्थ में तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे बेटे की जान खतरे में आ सकती है? क्या कहा आपने? स्वार्थी! आप ये शब्द अपने मुंह से निकाल ही कैसे सकती है भाभी? मैं सोच लगता ने स्वार्थ होके आपके बेटे की जान बचाई है और आप इसे स्वार्थी कह रही है? मम्मी, भाभी यहाँ अकेली नहीं है, मैं और बुआ जी हम दोनों भी यहाँ पर थे और हम भी चाहते हैं कि अबे भैया की याददाश्त वापस आ जाए। और हम भी ढोल नगाड़ा बजाकर शोर नहीं मचा रहे थे, बस नाटक करकर उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, और तुम लोगों में से किसी ने ये बात नहीं सोची कि अगर अभय के दिमाग पे जोर पड़े तो इसका कुछ बुरा असर हो सकता है? होश तो आ गया इसे, पर अगर इसे सब याद आ गया तो मेरे होश उड़ा देगा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये इतना मातम क्यों फैला हुआ है? वो अभी तो नाटक देख रहे थे ना? अब कोई नाटक वाटक नहीं होगा। अब तुम बस थोड़ा आराम करो, ठीक है?
चलो आओ। तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, अंदर चले। हाँ चलो। तुम देखना आज नहीं तो कल अभय को सब कुछ याद आ जाएगा। अभय को कुछ याद ना आए इसके लिए अभी तक मैं अकेला मेहनत मार रहा था, अब ये डॉक्टर रोशनी मेरी मदद करेगी। कुछ तो नया याद आ रहा था मुझे, जैसे वो धुंधली यादें साफ हो गई थी मम्मी। सच में बेटा? हाँ, जैसे श्रद्धा और मेरा बाहर आइसक्रीम खाना, हमारा टकराना, घर पे हमारी मुलाकातें, फिर सबको याद आ ही रहा था कि अचानक से आप टपक पड़े। फिर पता नहीं मैं कैसे कैसे बेहोश हो गया, पर मम्मी को धुंधली यादें साफ हो रही हैं थोड़ी। अबे शांत हो जाओ, अपने दिमाग पर जोर मत डालो इतना, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। और क्या याद आ रहा था बेटा? मेरी शादी का मंडप, शायद से भाई की शादी थी, पर सबके चेहरे उतरे हुए थे। श्रद्धा कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा आगे। कोई बात नहीं बेटा, आराम से रहो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। नहीं मम्मी मुझे याद आ रहा है और मुझे याद करना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। काश मैं तुम्हें समझा पाती कि मैं ऐसा क्यों कर रही। इस दवा से कोई तकलीफ नहीं दूंगी, पर याददाश्त अभी जैसी वैसी ही रहेगी। I'm sorry, अब पहली बार मेरा प्यार फर्ज से ऊपर है। उन धुंधली यादों को साफ होना होगा, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, बस शांत हो जाओ, तुम्हें सब याद आ जाएगा। आंटी जी मैं देखती हूँ। रोशनी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जब साफ साफ हो नहीं लगता फिर धुंधला हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब सब कुछ ठीक है, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये दवाई ले लो, इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा। रोशनी तुम इसके साथ बैठो, हम खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं। आंटी जी एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी थी। आप देख रही हैं ना, मैं इसी वजह से अभी के दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहती थी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका ऐसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और कोई दवाई काम भी नहीं करेगी और उल्टा वो कोमा में भी जा सकता है। हे भगवान। रोशनी तुम कुछ भी करो पर अभय को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं ना कि अभय सुकून और खुशी की जिंदगी जी, तो उसकी याददाश्त वापस लाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं तो हूँ ही ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप अपने बेटे के साथ बैठकर बातें कीजिए, मैं उसके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को
सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।